नहीं मिला होगा। अब वो नए घर में रहती हूँ। साली दीदी ने घर बदल दिया। अरे घर ही नहीं बदला, सारी दुनिया बदल दी दीदी ने। सिर्फ 2 ही दिन हुए उन्होंने शादी कर ली। अरे दीदी ने शादी कर ली और मुझे इन्फॉर्म तक नहीं किया। अच्छा ये बताओ रीता, शादी किससे की है? और मेहता जज साहब है ना, उनके लड़के से। हाँ, याद आया। लेकिन ये सब इतनी जल्दी हो कैसे गया? पर क्या हो गया? मैं अभी जाती हूँ दीदी से झगड़ा। नहीं, दीदी के साथ नहीं झगड़ा कर, पहले हमारे साथ चलो। तुम्हारे आगे की खुशी में हमने पार्टी रखी है। ऐसी मंडे के आता है तो आने दो। अरे ऐसी तैसी मंडे की मौज मना लो, रंग जमा लो, आज छुट्टी संडे की। आता है तो आने दो, अरे ऐसी तैसी मंडे की। आता है तो आने दो, अरे ऐसी तैसी मंडे की मौज मना लो, रंग जमा लो, आज छुट्टी संडे की। Thank you. बाबूलाल, ओ बाबूलाल, क्या अभी तक सोता है? तुमको तो मालूम है हवलदार, अपन 11 बजे सो के उठा, फिर 10 बजे क्यों चिल्ला रहे हो? आज कोर्ट है, चलो आज तुम्हारा फैसला भी है। आज मेरा फैसला? इतनी जल्दी? देखो हवलदार, अगर मैं छूट गया ना तो बेकार हो जाऊंगा। तो क्या यह घर तुम्हारा है? नहीं, है तो सरकारी, लेकिन क्या खाने पीने का आराम हो, कुछ नहीं। चलो आगे। बाबूलाल, श्यामलाल, चूड़ी वाला हाजिर हो। बोलो। भगवान को हाजिर ना हाजिर जानकर जो कुछ कहूंगा सच सच कहूंगा। भगवान को हाजिर ना हाजिर जानकर जो कुछ कहूंगा सच सच कहूंगा। तुम्हारा नाम? बाबूलाल श्यामलाल चूड़ीवाला बीए। उम्र? उम्र 34 साल। धंधा? चूड़ी पहनाने का। क्या मुजरिम बीए होकर चूड़ियों की फेरी का धंधा करता है? सच तो यह हुजूर के चूड़ी पहनाने का ये जो धंधा है अपना खानदानी पेशा है। माँ बाप की ये दिली हसरत थी कि लड़के को खूब पढ़ाया लिखाया जाए ताकि गुस्ताखी माफ हो, आप ही की जैसी कोई कुर्सी मिले। लेकिन तकदीर का कुछ ऐसा चक्कर चला हुजूर कि कुर्सी तो नहीं मिली, कटवा मिल गया। मुल्जिम बाबूलाल पर जो शांताबाई नामी विधवा को भगा ले जाने का इल्जाम लगाया गया था, पुलिस को पूरी जांच के बाद ये मालूम हुआ है कि मुल्जिम बिल्कुल बेकसूर है। ठीक है, मैं बाबूलाल को बाइज्जत रिहा करने का हुक्म देता। थैंक यू। अब बच्चे कहाँ जाएगी? अरे रामधन, ओ रामधन, अरे देख भाई फोन तंग कर रहा है यहाँ पे, तो मैं भी तंग करता हूँ। कौन तंग कर रहा है? यहाँ बात करने किसी को फुर्सत नहीं है। सुनो रामधन। कौन हुजूर? मालिक। जरा बहुरानी को जल्द बुला लो। लेकिन हुजूर आप ही घर पधारिए ना। रामधन, रामधन, रामधन। रंजना, ओ रंजना। ये टेलीफोन में भी तंग कर रहा है। जल्दी कहिए और पीछा छोड़िए। कम ऑन, हरी आप, हरी आप। हेलो, कौन? सुरेश। क्या बात है सुरेश, आज कोई फोन जल्दी नहीं उठाता? कौन? पिताजी, माफ कीजिएगा पिताजी, सुबह से इतने टेलीफोन आ चुके हैं कि आज मैं बिल्कुल पढ़ ही नहीं सका पिताजी। लेकिन तुम आज कॉलेज क्यों नहीं गए? जी पिताजी, गया तो था लेकिन आज कॉलेज बंद हो गया। कॉलेज बंद है? क्यों, क्या बात है, आज कॉलेज क्यों बंद है? जी पिताजी, वो हमारे प्रिंसिपल साहब है ना, उनकी नानी मर गई और मरते ही दम निकल गया बेचारी का। हाँ पिताजी, बहुत अच्छी औरत थी। हाँ सुरेश, सुरेश। रंजना, सुनो बेटा, आज मैं अदालत के काम से जल्द फारिग हो गया हूँ, इसलिए तुम इस वक्त वो तमाम जेवरात लेकर चली आओ जो तुम्हें पसंद नहीं है। हम दोनों साथ जाकर के उससे बदलवा लें। पिताजी, देखिए पिताजी, मैं आपका हुक्म कभी नहीं टालती, लेकिन आज वो अपना रसोईया बीमार पड़ा है, इसलिए मुझे उनके लिए दोपहर का चाय नाश्ता कॉलेज भेजना है। हाँ पिताजी, लेकिन वो। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। अच्छा ये बात है? नहीं पिताजी, वो तो 4 बजे आते हैं कॉलेज से। ये तूने क्या गजब कर रखा है? मैंने कुछ और कहा था और तू कुछ और कह रही है। मुझे क्या मालूम था तुमने क्या कह रखा है? तेरे पिताजी से ये क्यों कहा कि आज मैं कॉलेज आऊंगा? इसलिए कि वो मुझे कोर्ट में बुला रहे थे। लेकिन मैंने तो कहा था कि आज प्रिंसिपल की नानी मर गई है और इसलिए कॉलेज बंद है और आज मैं घर में बैठा हूँ। अब क्या होगा? अब चौपट हो गया। पिताजी क्या सोचेंगे? सोचना क्या है, अगर वो जज साहब हैं सब समझ गए होंगे। एक शख्सों की जोड़ी एक पल घर के लिए भी जुदा नहीं रहना चाहती। रंजना, मैं तुझसे एक बात पूछना चाहता हूँ। पूछिए। मानेगी? दे जान से। आज शादी के 2 दिन हो गए लेकिन तेरे प्यारे मुखड़े से एक बार भी मैंने अपना नाम नहीं सुना। क्या तुम्हें सुरेश नाम पसंद नहीं? नहीं तो। जब कहो तो नाम बदल दो। नाम बदलने से समन तो नहीं बदलता। हिंदुस्तानी औरत शादी के बाद पति का नाम लेकर कभी नहीं पुकारती। ये भी हिंदुस्तानी औरत के प्यार की एक अनोखी अदा है। तो तुम नाम लेकर नहीं पुकारोगी? मेरा दिल खुश करने के लिए भी नहीं। रंजना, तू मुझे तंग करना चाहती है ना? अच्छा अच्छा, छोटे सरकार माली ने दिया है। ये किसकी तस्वीर है? कहिए ना। मेरी बदनसीब बहन हंसा की। मैं इसे रोज फूलों की माला चढ़ाता हूँ। तो क्या वो मर गई बेचारी? मर जाती तो सब रह जाता। क्या हुआ उसे? उसे कोई बदमाश उठा ले गया। तो क्या अभी तक उसका पता नहीं चला? बहुत कोशिश करने पर इतना ही पता चला कि उसे कोई डांस पार्टी उठा ले गई। भगवान जाने वो इस वक्त कहाँ है और किस हाल में है। चाहे मुझे जान से मार डालो लेकिन मैं किसी के अनाज में गाने के लिए नहीं जाऊंगी। तो जिंदा भी नहीं रहेगी। तू नहीं जानती तुझे इस काबिल बनाने के लिए हमें क्या क्या मुसीबतें उठानी पड़ी हैं। तुझे लैला सिंह के यहाँ मुद्रे पर जाना ही पड़ेगा। हाँ, लैला सिंह हो या लता सिंह हो, मैं किसी के नाचने के लिए नहीं जाऊंगी। मेरी लाश को ले जाओ। तो तू नहीं जाएगी? जाएगी कैसे नहीं जी, मैं देखता हूँ कैसे नहीं जाती है। जाएगी कि नहीं जाएगी? खड्डा जी चलो। तो लाशों के भूत बातों को नहीं मानते, मर यहाँ। चुड़ी चुड़ी वाला, ले लो चूड़ियां और ले लो चूड़ियां, मैं लाया निराली रंगदार। ले लो चूड़ियां मैं लाया निराली रंगदार। ले लो चूड़ियां नीली नीली काली काली पीली पीली गोरी गोरी बाहों का श्रृंगार। ले लो चूड़ियां मैं लाया निराली रंगदार। ले लो चूड़ियां। चूड़ी चूड़ी वाला, भाभी या ननंद या भतीजी हो या खाला, भाभी या ननंद या भतीजी हो या खाला, सबकी पसंद लेके आया चूड़ी वाला। हाथ की शोभा दिल की ठंडक नैनों का खुमार। हाथ की शोभा दिल की ठंडक नैनों का खुमार। ले लो चूड़ियाँ, ले लो चूड़ियाँ, मैं लाया निराली रंगदार। ले लो चूड़ियाँ। चूड़ी चूड़ी वाला, कोई हो कवारी या कोई पिया की हो प्यारी, कोई हो कवारी या कोई पिया की हो प्यारी, जिसने भी पहनी मेरी चूड़ी ना उतारी, कोट का धंधा करे न बंदा आजमा लो एक बार, हाँ कोट का धंधा करे न बंदा आजमा लो एक बार, ले लो चूड़ियाँ चूड़ियाँ मैं लाया निराले रंगदार, ले लो चूड़ियाँ। चूड़ी चूड़ी वाला शौक है अमीर का गरीब का ये कहना, शौक है अमीर का गरीब का ये कहना, बोलो बहनों सच है या झूठ मेरा कहना, कैश नहीं तो कल दे देना दे दूंगा उधार, आज नहीं तो कल दे देना दे दूंगा उधार, ले लो चूड़ियाँ ले लो चूड़ियाँ मैं लाया निराली रंगदार, ले लो चूड़ियाँ। नीली नीली काली काली पीली पीली गोरी गोरी बाहों का श्रृंगार, ले लो चूड़ियाँ मैं लाया निराली रंगदार, ले लो चूड़ियाँ। जो चूड़ी हाथ में आ जाए वो एक आना जोड़ी, टूट फूट फ्री फंड में। समझ गई, ये पहना दो। ओके। हाँ। मेरी सूरत क्या देख रही है? आपकी सूरत नहीं, मैं अपनी सूरत देख रहा था, लेकिन आपकी सूरत का थ्रू। क्या मतलब? मतलब वो बहुत सी बातें सिर्फ कह देने की होती हैं, मतलब समझ जाने का होता है, समझाने का नहीं। समझ गई ना? बात भी नहीं समझी। अच्छा कितने पैसे? पैसे एक एग्रीमेंट करते हैं इस टाइप का। एग्रीमेंट? हाँ, वो ये कि मैं तुम्हें साल भर तक नई नई चूड़ियाँ पहनाता रहूंगा, तुम इकट्ठा एक दिन हिसाब दे डालना। ठीक है ना? अच्छा चूड़ी वाले, ऐसा करो हर 8 दिन के बाद आकर तुम मुझे नई नई चूड़ियाँ पहना जाना। 8 दिन के बाद आकर? क्यों? मेरा तो जी चाहता है कि हर 8 मिनट के बाद तुमको चूड़ियाँ पहनाता रहूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हाँ? हंसा। हंसा? हमकी चल वाले हंसा। वेरी गुड। हंसा हंसा हाँ? यहाँ ये कौन गधा है? ये बहुत खतरनाक आदमी है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, तुम मुझे जरूर मिलना। हाँ? ओके, बाय बाय। चलो अंदर। क्या बातें कर रही चूड़ी वाले? कुछ भी तो नहीं। कुछ भी तो नहीं? मैं कहता हूँ खबरदार जो बगैर मेरी जाति घर से बाहर कदम रखा। तो लेकिन आप लोग मुझे इस तरह कब तक कैद रखेंगे? शर्म नहीं आती? माँ बाप के घर को कैद खाना कहती है। माँ बाप? किसके माँ बाप? तुम लोग मेरे माँ बाप नहीं हो। जबान चलाती है बेशरम कहीं। अजीब तुम आदमी हो या जानवर, जब देखो बेचारी बच्ची पर हाथ उठाते रहते हो। मैं कहता हूँ गुलाब चुप रहा, वरना तेरा गला घोंट दूंगा। क्या कहा? मेरा गला घोंट दोगे? देख लेती। औरत पे हाथ उठा तो शर्म नहीं आती? मूछे मुड़ा लो और चूड़ियाँ पहन लो, फ्री दे दूंगा, फ्री हर नाप की है। एक क्या साइज है आपके हाथ का? हाथ तो तुझे बाद में दिखाता हूँ, जूते का नंबर 9 है। निकालू? निकल यहाँ से, वरना चूड़ियों के साथ सर भी तोड़ दूंगा तेरा। अबे जा, बहुत देखे तेरी तरह सर तोड़ने वाले। चूड़ियाँ पिनाता हूँ, पहनता नहीं हूँ, समझे? चुप करता नहीं, ढेर कर दूं तुझे। चुप के बच्चे, पिस्तौल निकालता है। अबे बचपने में हम खेला करते थे इससे। खिलौने के हाथ से जाऊंगा एक रखा। हाथ उठाता है नाले। मैं ये पूछती हूँ तुम्हें हम मियाँ बीवी के झगड़े में पड़ने की क्या जरूरत है? अरे आप लोग मियाँ बीवी हैं? नहीं तो और क्या। तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि आप लोगों को रोका। आप लोग वापस शुरू हो जाइए। मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा? मालूम होता है बेटी बाप से ज्यादा समझदार है। समझदार के बच्चे निकलता है कि नहीं? गर्मी खाने की जरूरत नहीं, मैं जा रहा। मैं कहता हूँ निकल जाओ, दोबारा मैं खुद निकल रहा। दोबारा मजे का कदम मत रखना। ओके ओके का बच्चा। मेरी बाली। मेरे पैसे 5 दे दीजिए मियाँ जी। अरे भाई मियाँ जी कहते हो और ऊपर से पैसे भी देते हो, ये नहीं हो सकता मुन्ना। लो तुम पान खाओ और मौज करो। बांगड़ी बांगड़ी बाबूलाल। मियाँ जी हाँ। रात को चौपाटी पे सोने के लिए क्यों नहीं आया? अरे भाई मैं आता कैसे, मैं तो रास्ते में बेहोश होकर गिर पड़ा, वहाँ कैसे पहुँचा तेरे पास? क्यों रात को ज्यादा शराब पी गए थे क्या? अरे कौन ससुराल शराब पीता है यार, कल मैं बिल्कुल कड़का था, भूख के मारे रास्ते में बेहोश होकर गिर पड़ा। तो आपने खाना किस खुशी में नहीं खाया? अरे भाई कल जितने आए ना ससुरे पान खाने वाले, मियाँ जी कहते रहे और मैं मुफ्त पान खिलाता रहा और यहाँ सोफड़ा करता रहा अपना डाउन। इसका मतलब ये है कि इस तरह लोग आते रहेंगे, मियाँ जी कहते रहेंगे तुम फिर ये पान खिलाते रहा, फिर खाओगे क्या? मुझे चौपाटी पे अकेले सोना पड़ेगा। देखो बाबूलाल, चाहे तुम लाइफ भर अकेले चौपाटी पे सोते रहो, मुझे इसकी बिल्कुल परवाह नहीं है, लेकिन मेरे खानदान के मामले में मुझे ना टोकना। मुझे जो मियाँ जी कहेगा मैं उसे मुफ्त पान खिलाऊंगा, तुम्हारी जान की कसम। बस आगे नहीं बात। अच्छी बात है लाल पान, अपने को क्या है। लाल पान तुझे मैंने कितनी दफा कहा कि तू मुझे लाल पान ना कहा कर। देख बाबूलाल, अगर तूने मुझे लाल पान कहा ना तो तेरी मेरी बरसों की दोस्ती बस फिनिश हो जाएगी। अच्छी बात है, अब नहीं कहूंगा लाल पान जी। बस सॉरी मियाँ जी सत्य हो जाऊं। बस तूने तो आज मियाँ जी ऐसे कहा जैसे मुझे छुनने की माँ कहा करती थी, तेरी जान की कसम। ये छुनने की माँ कौन है? अरे बस चुप कर जा, मेरी घरवाली छुनने की माँ। मियाँ जी तो आज पान छुनने की अम्मा की हाथ का गिराओ, तुम्हारे हाथ का तो रोज ही खाते हैं। तुम मुझे ही समझ लेना, अच्छी बात, मुझे ही समझ लेना, मेरी स्वीटी छुनने भाई चूना कथा बराबर है ना। और तेरे छक्के हो जाऊं, तेरे कुमान हो जाऊं। भाई वो तो मैं बाद में बताऊंगी, पहले तुम ये बताओ कि शादी करने कितनी जल्दी क्या थी? मेरे आने का इंतजार तक नहीं किया। जाओ मैं तुमसे झगड़ा करूंगी। अच्छा अच्छा झगड़ा फिर करना, पहले जरा इनसे मिलो, ये मेरे ससुर हैं। नमस्ते। नमस्ते। बैठो छोटी। दीदी जीजा जी से तो मिलवाओ, उनसे भी मिलवाती हूँ। अच्छा शोभा तुम्हारा सामान कहाँ है? वो मेरी सहेली रीता है ना, मैं उसके यहाँ ठहरी हुई हूँ। देखो भाई ये हमारा अपमान है, इस घर के होते हुए तुम रीता के यहाँ क्यों ठहरे? दीदी रीता के फादर मदर गांव गए हुए हैं, वो अकेले रहते हुए डरती है, इसलिए मैं वहाँ ठहर गई हूँ। और दीदी रीता ने मुझे बहुत अच्छी सर्विस दिलाने का वादा किया है, अब सर्विस बर्विस का ख्याल छोड़ दो, तुम्हारी पढ़ाई खत्म होने का इंतजार था, अब मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी भी शादी जल्द से जल्द कर दूँ। हाँ, मैं और शादी? ना 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 ना, ना। देखो दीदी मैं उड़ते हुए पंछी की तरह आजाद रहना चाहती हूँ, शादी करके घर में कैद हो जाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। आई डोंट लाइक मैरिज। मैं तो शादी बिल्कुल नहीं करूँगी दीदी, नेवर। बेटे ये इस तरह नहीं मानेगी, आईने की जबान नहीं होती मगर वो बोलता जरूर है। जब ये तुम्हारा खुशहाल जीवन देख लेंगी तो खुद ब खुद अपना विचार बदल देगी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पिताजी। आओ शोभा मैं तुम्हें अपना कमरा दिखाती हूँ। जीजा जी भी। हाँ हाँ आओ तो सही। देखो शोभा ये मेरा कमरा है, बहुत अच्छा सजाया है दीदी, बहुत अच्छा। रंजना रंजू शोभा वो देखो तुम्हारे जीजा जी। ओ मुझे बुला रहे हैं, मैं अभी आई। अच्छा दीदी मुझे भी इजाजत दीजिए, रीटा के फादर मदर आ जाने के बाद मैं खुद यहाँ आ जाऊंगी। जरूर आओगी ना? डेफिनेट। टाटा। जय राम जी की। जय चूड़िया वाले आप मुझे भी चूड़िया पहनाने आए हो? भैया तुम्हारे साइज की चूड़ियों के लिए तो स्पेशल कारखाना खोलना पड़ेगा। अच्छा खैर छोड़ो, मैंने सुना है कि इधर कोई खोली बोली खाली है। खोली बोली तो खाली नहीं, लेकिन हाँ कि घोड़ा बांधने के लिए सबल जरूर खाली। अब सबल तो खाली है ना, तो फिर तुम मुझे घोड़ा ही समझ लो। ये लो पैसे और रसीद काट दो और सबल में बांध दो मुझे। सुनो एक बात ना, कि आपके साथ आपकी घरवाली है या आपको करगिरदारी है? घरवाली की क्या बात करते हो भैया, एक छोड़ दो है। एक तो बच्चे के लिए माँ बाप के घर गई है और दूसरी मेरी सेवा के लिए इधर मौजूद है। फिर देखो ना कुछ भी हो, लेकिन आपके साथ आपकी घरवाली को देखूं तो कमरा मिलेगा वरना नहीं मिलेगा, क्योंकि आजकल दुनिया बड़ी 420 हो गई है। अरे झूठ बोलकर कमरा ले लेती और फिर भैया, लेकिन हमारा खानदान तो सच बोलने में हिंदुस्तान तो क्या अमेरिका, चीन, जापान, पूरी दुनिया में मशहूर है। कुछ भी हो, लेकिन आपकी घरवाली तो आपके साथ देखनी चाहिए, तो वरना कमरा बमरा नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके भैया मालूम होता है तुमने औरत कभी देखी नहीं? देखी तो नहीं, लेकिन हाँ देखो भाई, अच्छी बात है। तो फिर मैं अपनी घरवाली को लेकर आता हूँ, लेकिन तुम बहन समझ मत देखना। जयराम जी, जयराम जी की माँ। अरे भैया ये लीजिए पैसे और पान दे दीजिए मियाँ जी। अरे मुन्ना मियाँ जी कह के पैसे देते हो? अरे भाई हम खानदानी मियाँ जी हैं, को आलतू फालतू मियाँ जी नहीं। और हाँ सुनो, जो भी तुम्हारे दोस्त अहबाब मिले ना, उन्हें भी इधर ले आना। बस वो मियाँ जी कहते रहे, हम मुफ्त पान खाते रहे। तो क्या सबको पान मुफ्त खिलाएंगे आप? अरे भाई हम तो सिर्फ पान खिलाते हैं। हमारे जो अब्बा जान थे ना, समझ गए ना, हमारे वालिद साहब, वो तो मियाँ जी कहने वालों पर जायदाद कुर्बान कर देते थे, लुटा देते थे, समझ गए? मियाँ जी दो पान का बाबूलाल। मियाँ जी तेरे कुर्बान हो जाऊं, तेरे मुंह से मियाँ जी बस ऐसे टपकता है जैसे बस फूलों की झड़ी लग जाती है। मियाँ जी आज बहुत मूड में हो मियाँ जी, तेरे कुर्बान हो जाऊं, तेरी जान की कसम, आज जो आता है बस वो मियाँ जी कह के पुकारता है, और मैं ससुरा यहाँ डाउन हुए चला जाता हूँ। अच्छा, न पान है न पैसे, सब थुपड़ा सा। अच्छा अब हाँ ये कपड़े कैसे? ये तुम्हारे लिए? मेरे लिए? साहब तूने मुझे आखिर क्या समझ रखा? मियाँ जी सबके हो जाओ, कुर्बान हो जाऊं तेरे, अब तूने मियाँ जी कह के मुझे डाउन कर दिया। हुक्म कर, तो हुक्म कर। बस बात ये है मियाँ जी कि खोली की जरूरत है। अच्छा। और भैया कहता है कि जब तक घरवाली नहीं होगी खोली नहीं मिलेगी। तो घरवाली किससे भाई? घरवाली बस ये सामान देख लो ना, ये गले का हार, ये घघरा, ये चोली और आपकी मीठी बोली। अच्छा समझ गया। हाँ मगर मैं कैसे? क्या हो गया मियाँ जी? मियाँ जी तुमने फिर मियाँ जी कहा? अरे मैं तेरे हुक्म का बदला हूँ। अच्छा। अरे मैं तेरी बीवी जान तो क्या, तेरी अम्मा जान भी बदला हूँ। तू चल। अच्छा फिर तो भैया के साथ मेरा अब्बा भी गुस्से जाएंगे। तू चल, तू चल बोला। चलो जयराम जी की भैया, जयराम जी की। ये रही तुम्हारी बहन। बहन आप दूसरों की तरह 420 मालूम नहीं होते, आप जेंटलमैन हो। लेकिन पर्दा क्यों कर? अब बात ये है भैया कि नई नई शादी हुई है, पुराने तो माँ बाप के घर है ना। अच्छा ये लो पैसे और रसीद काट दो। लेकिन हाँ ये पैसे तो मालिक को मिलेगी, मुझे क्या मिलेगा? क्या मतलब? मतलब ये कहना ना किसी को पगड़ी पगड़ी पगड़ी, मगर तुम तो टोपी पहनते हो ना, पहनने की बात नहीं है। पगड़ी का नाम मतलब, वरना तुम्हारे साथ में भी अंदर हो जाऊंगा। नहीं लेकिन कुछ मिठाई मिठाई मुँह तो मीठा करो। ऐसी बात करो ना, मैं मिठाई अब भी लेकर आया। शांति निकेतन ये तुम्हारे भाई की तरह है, घबराना नहीं शर्माना भी नहीं, मैं अब भी आया। अच्छा भैया जरा ध्यान रखना। बोलिए मैं आपकी क्या सेवा करूँ? क्या पियोगी? दूध, लस्सी? हाँ मैं तो कुछ भी नहीं पीऊंगी जी, बस आपकी तो बातों ने मेरे दिल की प्यास बुझा दी। कहिए हमें कमरा तो दे देंगे ना? अरे कमरा क्या घूंघट वाली, तेरे लिए मेरी जान की हाजिर है। कितनी प्यारी बातें करते हो जी। क्या नाम है तुम्हारा? रामधन। तुम्हारा नाम क्या है? बस कुछ अपनी पसंद का रखना ना, मैं रख लूँ जी तो मैं मनमोहनी कहीं तो पुकारूंगा, चलेगा? क्यों नहीं, भला तुम्हारी पसंद का नाम मुझे पसंद ना है, बस आपने तो एक ही पल में मेरा मन छीन लिया। भगवान करे मेरा मुआ खत्म वो मिठाई लेके यहाँ वापस आए ना। घूंघट के पचकोल घूंघट के पचकोल देखो जी, अगर कहीं मेरा मुआ खत्म मिठाई लेके यहाँ आ गया ना तो तुम्हारे सर पर बाजे और तबले बजाने लगेगा। अरे तबले क्या बजाने लगेगा, मेरे पास जंजाल का सर फोड़ दूंगा, सर फोड़ दूंगा। ये सब क्या हो रहा था? मैंने झूठ बोलता है नहीं, मैंने सर ये सब बातें सुनी होती, सूखा माफ नहीं करूंगा। फिर क्या बगैर पैसे के रसीद का? हाँ जल्दी जल्दी शाबाश। चलो चलो चलो, लेकिन सुनो किसी को कहना मत, तुम भी किसी से कहना मत कि बगैर पैसे के रसीद काटी, नौकरी जाएगी। चलो चलो ना, अच्छा जगह ना में आना में तुम्हारा। जाओ जाओ, वो खुली खुली है क्या बंद है? नहीं खुली है, बंद है, खुली है, जाइए। हाँ सुना है कि तुम्हें शेरो शायरी का बहुत शौक है? नहीं तो एक स्नैप दे देना। नहीं मुझे कुछ नहीं पता, प्लीज एक। अच्छा सुनो प्लीज। एक छोटा सा फलक साथ एक छोटी सी जमीन, जिसमें इंसान हो चांद सितारे हो मके, और फकत तेरी मोहब्बत के सिवा कुछ भी ना हो, ऐसी छोटी सी दुनिया मुझे मिल जाएगी। बहुत अच्छे रंजना, बहुत अच्छा। दूसरा एक सुना दे। नहीं अब आप सुनो। नहीं नहीं और एक प्लीज। नहीं आप सुनाइए। मुझे ही सुनाना पड़ेगा? अच्छा सुनो। मेरे साथ साथ रहकर मेरी मानता नहीं है, ये दिल तुम्हें मुबारक मेरे काम का नहीं। अच्छा। अब तुम सुना दो। बस एक ही है जो कहा मैंने कि प्यार आता है मुझको तुम पर, तो हंस के कहने लगे तुम्हें आता ही क्या है। कमिंग। ओके रंजना, मैं आज एक पार्टी पे जा रहा हूँ, जरा देर से लौटूंगा। पार्टी? तुम मुझे भी साथ ले चलेंगे? जरूर ले चलता रंजना, मेरे साथ कुछ दोस्त हैं, मुझे अकेला ही जाना चाहिए। क्या 2 दिन की ब्याही हुई दुल्हन को कोई इस तरह छोड़कर जाता है? मैं मजबूर हूँ रंजना, मैं उन लोगों से वादा कर चुका हूँ, वरना कभी नहीं जाता। देखिए जल्दी आ जाइएगा, जब तक आप नहीं आएंगे मैं इंतजार करूंगी, सोऊंगी नहीं। ऐसा ना करना रंजना, तुम सो जाना। आज मेरा दिन खड़क रहा है, मैं आपको नहीं जाने दूंगी, मुझे साथ ले चलिए। रंजना पढ़ी लिखी होकर रहम करती है, मेरे ना जाने से मेरे दोस्त मेरे मुताबिक क्या सोचेंगे? वो कुछ भी समझे, लेकिन मैं आपको नहीं जाने, मुझे नहीं जाने दूंगी। तुम विश्वास रखो रंजना, मैं जल्द वापस आता हूँ। एक बात है, हद हो गई, आज बाबूलाल और शोभा के गाने का कंपटीशन है और ये खामखा देर कर रहा है। Hello boys, okay, let's go. Yeah. झटका लगा है लटका है सांस गले में अटका, अब और न देना झटका मेरी मोमबत्ती। कोई तू क्या जाने प्यारे तेरे इश्क में मारे मारे गए काबुल और बुखारे मेरे तारा सिंह। तेरी लटका लगा है लटका है सांस गले में अटका, अब और न देना झटका मेरी मोमबत्ती। तू क्या जाने प्यारे तेरे इश्क में मारे मारे गए काबुल और बुखारे मेरे दारा सिंह। देखूं मैं तुझको मेरे दिल में शोला भड़के, तो जब जब देखूं मैं तुझको मेरे दिल में शोला भड़के। तू क्या जाने आग में जलना हो जातों के लड़के, अरे हो जातों के लड़के। तेरी एक नजर पे वारी मैंने गाँव की सरदारी, क्या तुझसे जान है प्यारी मेरी मोमबत्ती। कोई तू क्या जाने प्यारे तेरे इश्क में मारे मारे गए काबुल और बुखारे मेरे तारा सिंह। मैं क्या मांगता तो राह में होगा अमृतसर का थाना, पर अमृतसर का थाना। जब तू है तो क्या डर है, फिर जेल भी मेरा घर है, तेरे कदमों में ये सर है मेरे दारा सिंह। तेरी लटका लगा है लटका है सांस गले में अटका, अब और न देना झटका मेरी मोमबत्ती है। बलिए नी हीरिए नी तोड़िए, कोई मखना कोई रंजिया कोई बेलिया कोई तोड़िया। आ जाऊंगा रेल पे बल्लो बेच के तांगा घोड़ा, अरे आ जाऊंगा रेल पे बल्लो बेच के तांगा घोड़ा। देखेगा फिर लाश मेरी जो तूने वादा तोड़ा, जो तूने वादा तोड़ा। मेरे प्यार को ना दे गाली मेरी जान मोतियों वाली, मैं खुद हूँ तेरा सवाली मेरी मोमबत्ती है। कोई तू क्या जाने प्यारे तेरे इश्क में मारे मारे गए काबुल और बुखारे मेरे दारा सिंह। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तुम्हारा नाम? मेरा नाम? ए, जो कुछ पूछना मुझसे पूछो, मुझसे ना पूछो, बात करो। अरे तू जा तो खड़ी है, चल गाड़ी में, चल। ठहरो, तुम नहीं जा सकती। मुझे ये मालूम करना है कि कौन है ये मेरी लड़की और कौन है। नहीं नहीं, ये झूठ बोलती है। क्या है? इनकी लड़की नहीं हूं। तब तो मेरा शक सही निकला। चलो मेरे साथ। सुरेश, 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 बाबूलाल, सुरेश का स्वर्गवास हो गया। चलो घर ले चलो। रामधन, रामधन साहब आ गए हैं। जाओ जल्दी से दरवाजा खोलो, जल्दी जाओ। ये रामधन हमेशा देर लगाता है। इतनी बार कहा जल्दी जाओ जल्दी जाओ, लेकिन सुनता ही नहीं। आज तो मैं तुमसे इतना झगड़ा करूंगी कि बात तक नहीं करूंगी। नहीं खोलती दरवाजा, बजाते रहो घंटियां। कह दिया नहीं खोलते। लाश है। लाश? मगर लाश का यहाँ क्या काम है? इसे हॉस्पिटल ले जाओ, पुलिस स्टेशन ले जाओ। जाओ चले जाओ यहाँ। मगर मेरी बात तो सुनिए। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। छोटे साहब के आने का वक्त हो गया है। अगर वो तुम लोगों को यहाँ देखेंगे तो नाराज हो जाएंगे। जाओ चले जाओ यहाँ से। कौन आया आधी रात के समय? क्या बात है? हुजूर एक्सीडेंट हो गया है। तो हम क्या करें? इस लाश को किसी अस्पताल या पुलिस स्टेशन पे ले जाओ। सुनिए, इस लाश के लिए पुलिस स्टेशन, अस्पताल जो कुछ भी है यही घर है। क्या कहते हो? किसकी लाश है ये? क्या बताऊं हुजूर, ये लाश। जल्दी बता दो, तुम किसी की नींद खराब करते हो। आप लोग इस सोए का मुंह देखेंगे तो जिंदगी भर नहीं सो सकेंगे। क्या बात है? सुरेश, बेटा सुरेश, बेटा सुरेश, ये तेरे जाने का वक्त न था, मेरे जाने का वक्त था। तूने अपनी माँ से ये क्यों न कह दिया कि तेरी जिंदगी के जगमगाते हुए दीपक को बुझाने की बजाय मेरी टिमटिमाती हुई क्षमा को बुझा डाले। सुरेश, सुरेश, बेटा सुरेश। उजड़ गया पंछी अब तेरा बसेरा, उजड़ गया पंछी अब तेरा बसेरा। टूट गई वो डाली जिस पर तूने डाला डेरा, उड़ गया पंछी अब तेरा बसेरा। आया वो तूफान बिखर के रह गया तिनका तिनका, लिया है तुझसे किस्मत ने ये बदला है किस दिन का। ये रंग बिरंगे पंख छोड़ दे, ये रंग बिरंगे पंख छोड़ दे, अपना पिंजरा आप तोड़ दे। आई वो गम की रात न होगा जिसका कोई सवेरा, उजड़ गया पंछी अब तेरा बसेरा। साथ छोड़ गया साथी तेरा, रह गई उसकी यादें, साथ छोड़ गया साथी तेरा, रह गई उसकी यादें। चुप हो जा, चुप हो जा, तेरी कौन सुनेगा दर्द भरी फरियादें। हार सिंगार मिटा दे अपना, खुशियाँ हो गई सपना। हार सिंगार मिटा दे अपना, तेरी खुशियाँ हो गई सपना। छोटी सी इस जान को गम के तूफानों ने घेरा, उजड़ गया पंछी अब तेरा बसेरा। रातों की क्या बात तेरे अब दिन भी हो गए काले, रातों की क्या बात तेरे अब दिन भी हो गए काले। दूर तेरी परछाई से भी हटेंगे दुनिया वाले, कोई न देखे टूटा तारा, दुखिया से सब करे किनारा, बरी हुआ उजाला अब तो देगा साथ अंधेरा। उजड़ गया पंछी अब तेरा बसेरा, टूट गई वो डाली जिस पर तूने डाला डेरा। उजड़ गया पंछी अब तेरा बसेरा। बाबूलाल, मेरे ख्याल में साहब सो गए। सो रहे होंगे तो उठा देंगे। समझते क्यों लाल पान? फिर लाल पान का बाबूलाल, तूने मेरी हत्या की इज्जत कर। आपके नहीं अच्छा मियाँ जी जी रमना जी। और तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं क्या करती हो? किससे मिलना है तुम्हें? मैं मेरा नाम ले दे ना। मैं इनसे मिलने आई थी। हाँ, ये मुझसे मिलने आई थी, सच कहती है। ये कौन है? ये सवाल जरा तेरा है, इसका जवाब तुम खुद दे दो। मैं इनकी घरवाली हूँ। क्यों भाई, बाबूलाल के बच्चे ये मियाँ जी को बताए बगैर ही काका भेड़ा लिया। शैतान कहेंगे। भैया जी जाओ अपना काम करो। ये मियाँ बीवी का मामला है, इसमें तुम्हें कुछ मिलने में लाना वाला नहीं। जाओ अपना काम करो। मियाँ जी बुरा न मानो तो आप भी जरा काम करो। इसलिए कि मैं जरा 2 मिनट बात करना चाहता हूँ। 2 बात? अरे मुंडा 2 तो क्या, तुम 2000 करो ना। जाओ माफ करो ना। इधर आओ तो। इधर लाल पान है, इधर भैया है। इधर आओ, इधर आओ, चलो इधर बैठ जाओ। अच्छा ये बताओ कि तुम मेरी घरवाली कैसे हो गई? जिस दिन तुमने मुझे मार खाने से बचाया था उस दिन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने किसी 7 साल की बुढ़िया को बचा लिया तो वो भी मेरी घरवाली हो जाएगी। नहीं, मेरे पिताजी मुझे किसी युवराज के हाथ बेच देना चाहते हैं। मैं किसी राजमहल में बेआबरू होकर रहने के बजाय तुम्हारे कदमों में रहना पसंद करूँगा। सवाल बड़ा टेढ़ा है। अपने कदम की कोई गारंटी नहीं है। कभी पुलिस स्टेशन में पड़ते हैं और कभी म्यूनसिपालिटी की फुटपाथ पर। ये सब बहाने नहीं चलेंगे, मैं तो तुम्हारे साथ ही रहूंगी। अच्छी बात है, पर तुम रहती तो वही हो ना, कोई काम पड़ जाए तो? नहीं, उन बदमाशों ने फिर मकान बदल दिया है। कहाँ? पता बताओ, लेकिन याद रहेगा। तुम इस खोपड़ी को क्या समझती हो? और रोगा में बादाम पिलाता हो। अच्छा तो सुनो, मैं बताती हूँ, मगर ये उधर जाके बताने की नई तरकीब कौन सी है भाई? तेरे डैडी का दरबान मुझों वाला है पठान, नहीं मिलना आसान, गोरी याद रखना। 4 बच्चे का निशान, नीचे पान की दुकान, मेरे प्यार का मकान, सैया याद रखना। तेरे डैडी का दरबान मुझों वाला है पठान, नहीं मिलना आसान, गोरी याद रखना। कोई रास्ता बता। आजा तेरे कुर्बान लेके हथेली पे जान, यही प्यार की है जान सैया याद रखना। तेरे डैडी का दरबान मूछों वाला है पठान, नहीं मिलना आसान गोरी याद रखना। चार बच्चे का निशान नीचे पान की दुकान, मेरे प्यार का मकान सैया याद रखना। पत्तियाँ बनाओ ना जी बढ़ बढ़ के, सर पे लगे हैं ताले अलीगढ़ के। पत्तियाँ बनाओ ना जी बढ़ बढ़ के, सर पे लगे हैं ताले अलीगढ़ के। छत पे उतार बेटा कोटा दिल्ली का, बड़े रख तुले पे तू आजा चढ़ के। होगा नीला आसमान दिल वालों की उड़ान, फिर देखेगा जहान गोरी याद रखना। होगा नीला आसमान दिल वालों की उड़ान, फिर देखेगा जहान सैया याद रखना। तेरे डैडी का दरबान मूठों वाला है पठान, नहीं मिलना आसान गोरी याद रखना। चार बच्चे का निशान नीचे पान की दुकान, मेरे प्यार का मकान सैया याद रखना। लोगी अरे क्या, अरे भैया राम 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 राम। अरे मुझे थोड़ी सी भंकिया पी ली, 3 दिन तक बिस्तर ने मुझे नहीं छोड़ा और ना ही मैं बिस्तर को छोड़ सकी। अपनी बीबी जी को देखा, सर का ताज उतर गया लेकिन सर के बाल नहीं गए। रामधन, पति के मर जाने के बाद औरत को सर के बाल मुंडवा देना बहुत जरूरी है। ठीक है, अरे वो तो मुंडवाने के लिए तैयार थी। अच्छा हाँ, लेकिन साहब ने मना कर दिया। अरे कि सर के बाल औरत की शोभा होती है, मैं हरगिज नहीं मुंडवाने दूंगा। नहीं रामधन, बीबी जी को साहब की बात नहीं माननी चाहिए। ठीक है, भगवान न करे अगर कहीं ना बेवा हो जाओ तो सर के बाल तो क्या वाह सती वाह, वो तिल कब आएगा जल हरा देगा। हम व्रतवासी हैं, माँ बाप की आज्ञा का पालन करना बच्चों का कर्तव्य है, समझे? चलो लिखो तो। देखो दीदी, आज मैंने कितने सुंदर फूल लगाए हैं। हाँ बहुत सुंदर, जैसे तुम वैसे करो। लेकिन दीदी आप फूल क्यों नहीं लगाती? तो माली आपको नहीं ला देता? ला देता है, मगर मैं अपने देवता पर चढ़ा देती हूँ। नमस्ते दीदी। शोभा आओ, आज कैसे रास्ता भूल कर यहाँ आ गई? रास्ता तो तुम भूल गई हो दीदी। ये सब क्या लगाए बैठे हो? शोभा ये सब छोटे छोटे चिराग हैं, इनसे मैं अपने जीवन का अंधेरा कम करना चाहती हूँ। अपने दुखों को भूल जाने की कोशिश कर रही हो। तुम दुखों को भूल जाने की कोशिश कर रही हो या और दुख मोल ले रही हो? दीदी आज मैं तुमसे कुछ कहने आई हूँ, कहो। इन बच्चों के सामने नहीं, अंदर आओ। जब मेरी दुनिया ही वीरान हो गई, फिर तुम घर में आबादी क्यों ढूंढ रही हो बहन? दीदी, तुम्हारी यह हालत देख करके तो मेरा दिल रो रहा। मैं तुम्हें इस घर में नहीं रहने दूंगी। इस घर में मौत की परछाई है, गम के बादल छाए हुए हैं। दीदी, तुम मेरे साथ चलकर रहो, इस रोते हुए घर को हमेशा के लिए छोड़ दो। नहीं शोभा, इस घर का दरवाजा तो मेरे लिए उसी दिन बंद हो गया था जब मैं दुल्हन बनकर इस घर में आई थी। अब उसी दिन खुलेगा जब मेरी अर्थी इस घर से निकलेगी। लेकिन दीदी, जिंदगी तो जीने के लिए होती है, लेकिन जिस तरह तुम जिंदगी गुजार रही हो वो तो मौत से कहीं ज्यादा भयानक है। एक बात मानोगे? कहो। इधर आओ। दीदी, मैं समझती हूँ कि तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम दूसरी शादी कर लो। शोभा, तुम ये कहकर मेरे विधवापन का अपमान कर रही हो। जिस तरह सुहागन को अपना सुहाग प्यारा होता है, उसी तरह पवित्र विधवाओं के लिए अपना विधवापन जान को भी ज्यादा कीमती होता है। ये मरने वाले की अमानत होती है, इसे सारी जिंदगी संभाल के रखना चाहिए। लेकिन मैं देख रही हूँ कि तुम्हारी जिंदगी की गिरती हुई दीवार को एक सहारे की सब जरूरत है। भगवान सलामत रखे मेरे ससुर को, मुझे उनका सहारा बहुत काफी है। तुम्हारे ससुर भी तो यही चाहते होंगे कि तुम दूसरी शादी कर लो। हरगिज़ नहीं, वो दुनिया वालों से बहुत ऊंचे हैं। उनकी आत्मा और विचारों की ऊंचाई को कोई छू भी नहीं सकता। वो मुझे ऐसी बात हरगिज़ नहीं कहे। तुम भी मुझे आइंदा के लिए ऐसी अपवित्र बात कभी नहीं कहना, कभी नहीं कहना शोभा, कभी नहीं। मेरी बच्ची, मैं अपनी जिंदगी की बची कुछ तमाम मुस्कुराहटें कुर्बान कर सकता हूँ, मगर तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। मैं दूसरी शादी का नाम भी तुम्हारे कानों तक न पहुँचने दूंगा। राम 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 राम, मूली भी कड़वी, पैसे गए पानी। मंजू बहन, मेरा कहा मानो तो अपनी बेटी को रंजना के यहाँ पढ़ने के लिए ना भेजा करो। हाँ बहन, मैं भी यही सोच रही थी। अरे मेरा बस चले तो मैं तो ऐसे ससुर और बहू की शादी ही करा दूँ। राम 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 राम। आज किसका जिक्र कर रही हो मौसी? अरे उन्हीं का जो कल तुम्हारी सभा के सदर बनने वाले हैं। कौन? अपने जज साहब। हाँ, क्या बताऊँ प्रकाश, दुनिया उनकी और उनकी बहू के बारे में कैसी कैसी गंभीर बात से बोलती। बातें तो मैंने भी बहुत सी सुनी है मौसी, लेकिन सुनी सुनाई बातों पर विश्वास थोड़ा ही किया जाता है। राम 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 राम, मैं कभी सुनी सुनाई बात नहीं करती। मैं तो इन आंखों देखी बातें करती हूँ, और फिर तुम लोग तो जानते ही। अरे तुम लोग क्या, सभी कहते हैं भाई मौसी ने जिंदगी में झूठ नहीं बोला। राम राम राम। अगर ये सच है मौसी तो जज साहब को डूब मरना चाहिए। ऐसे पापी को तो ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि जिंदगी भर याद रखे। कल सभा में आने दो, मैं देख लूंगा। बेटी, मैं सभा में जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो, दिल बहल जाएगा। नहीं पिताजी, मुझे मेरी उजड़ी हुई सभा में ही रहने दीजिए। बेटी, गम की उम्र इंसान की उम्र से बहुत ज्यादा लंबी होती है। इंसान मिट जाता है मगर गम नहीं मिटता, फिर गम करने से क्या फायदा। चलो मेरे साथ। मुझे साथ न ले जाइए पिताजी, हम घर में रो रहे हैं और बाहर लोग हमारी हंसी उड़ा रहे हैं, आवाजें कस रहे हैं, हमें बदनाम कर रहे हैं। पिताजी, मुझे न ले जाइए। बाप और बेटी को बदनाम कर रहे हैं तो करने दो, लेकिन सांस को आंच कभी नहीं आती, फिर तुम क्यों डरती हो? चलो मेरे साथ। दोस्तों, हमें सख्ती से काम लेना ही चाहिए। अदालत में फैसला सुनाने वाले जज साहब का फैसला आज इस भरी सभा में हो ही जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन नवल, मेरे पिताजी तो कहा करते थे कि जज साहब आदमी नहीं देवता हैं। उस देवता के करतूत उन लोगों से पूछो जो उनके पड़ोस में रहते हैं और रात दिन ससुर और बहू की प्रेम लीला देखा करते हैं। भाइयों, विधवाओं के पुनर्लगन के बारे में जो सभा आज बुलवाई गई है, मैं उसमें प्रमुख श्री मेहता साहब को दो शब्द बोलने के लिए विनती करूंगा। दोस्तों और सेक्रेटरी साहब, प्रमुख के लिए जो नाम पसंद किया गया है, मुझे उस पर ऐतराज। विधवा प्रचार करने वाली सभा का प्रमुख ऐसा होना चाहिए इसके अपने कामों में कोई धब्बा न हो और जो सच्चे दिल से पुनर्लगन को मानता हो। मैं जो कुछ भी कहना चाहता हूँ उसे शांति से सुन लीजिए और फिर अपना फैसला कीजिए। मैं आप ही लोगों से पूछता हूँ कि मेहता साहब की विधवा बहू ने आज तक दूसरी शादी क्यों नहीं की? मैं खुद दूसरी शादी करना नहीं चाहती। क्यों नहीं करना चाहती? तुम बैठ जाओ बेटी, मैं इससे जवाब दूंगा। नहीं पिताजी, मैं यहाँ एक पल भी नहीं रह सकती, मुझे घर जाने दीजिए। क्यों? गुनाह का भांडा फूटने लगा तो अब घर भागने लगी? बात बंद करो, तुम बैठ जाओ बेटी। अब कहो तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन कहने से पहले कान खोलकर सुन लो कि मैं अपनी बहू के बारे में एक भी झूठी कहानी तुम्हारी सुनने के लिए तैयार नहीं हूं। आप आंखें किसे दिखा रहे हैं जनाब? यहाँ आपको फैसला करना नहीं, समाज का फैसला सुनना है। कौन सा फैसला सुनाना है? यही कि जिस लड़की को बहू बनाकर आप अपने घर लाए थे वो आपकी बहू। तुम लोग किस दुनिया के रहने वाले हो, जिस दुनिया में बाप और बेटी का एक साथ रहना गुनाह समझा जाता है? उस दुनिया में रहने वाले इंसान नहीं, तुम जैसे जानवर होते हैं जो बेटी को बेटी नहीं, बहन को बहन नहीं और माँ को माँ नहीं समझते। मुझे जानवर समझ। मैं आप ही लोगों से पूछता हूँ कि मेहता साहब की विधवा बहू ने आज तक दूसरी शादी क्यों नहीं की? ये मेरे दिल की मर्जी। तुम बैठ जाओ बेटी, मुझे घर जाना। गुनाह का भांडा फूटने लगा तो अब घर भागने लगी? बात बंद करो कि मैं अपनी बहू के बारे में भी झूठी कहानी तुम्हारी सुनने के लिए तैयार नहीं हूं। यहाँ बैठे हुए आधे से ज्यादा लोग जानते हैं कि बोलो क्या जानते हैं। यही कि जिस लड़की को बहू बनाकर आप अपने घर लाए थे वो आपकी बहू। थोड़ी देर ठहरो बेटी, घर के सारे दरवाजे खुद ब खुद खुल जाएंगे। पिताजी, पिताजी, आपको मेरे स्वागत, आप इतनी समझदार होकर ये क्या नादानी कर रहे हैं? तो मेरी जिंदगी भर की पूंजी, मेरी इज्जत का वो खजाना जिसे मैंने बरसों मेहनत करके जमा किया था, आज लुटेरों से भरी सभा में लूट कर मुझे कंगाल कर दिया। वो इज्जत फिर हासिल करने के लिए मुझे दोबारा जन्म लेना होगा, इसलिए मुझे मर जाने दे बेटी, मुझे मर जाने दे। पिताजी से काम लीजिए, मुझे मालूम न था कि पुरुष होकर भी आपका दिल इतना कमजोर है। पुरुष उसी वक्त तक पुरुष है जब तक उसके सिर पर इज्जत का ताज है। जिस तरह एक राजा अपना ताज छिन जाने के बाद रास्ते का भिखारी बन जाता है, उसी तरह इंसान इज्जत खोकर रात बाजारी कुत्ता बन जाता है जिसे हर रास्ता चलने वाला धुसकाता है, पत्थर मारता है। मैं आपको वचन देती हूँ कि आपकी खोई हुई इज्जत फिर वापस ला दूंगी। मैंने रास्ता ढूंढ लिया है। कौन सा रास्ता? लोग हमें इसलिए बदनाम करते हैं कि हम इस घर में अकेले रहते हैं। तीसरे के आ जाने पर भौंकने वाले कुत्ते हमेशा के लिए खामोश हो जाएंगे। क्या मतलब? पिताजी आप दूसरी शादी कर लीजिए। रंजना, लोगों ने मुझे बदनाम जरूर किया, मेरी इज्जत जरूर लूटी, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि मैं इंसान नहीं हूं। तुम मुझे इतना गिरा देना चाहती हो कि मैं इंसान कहलाने के भी काबिल न रहूं। घर में जवान बहू या बेटी होते हुए जो लोग दूसरी शादी करते हैं वो इंसान नहीं, हैवान है। दूसरी की बात और है पिताजी, लेकिन यहाँ तो अपनी इज्जत का सवाल है। लेकिन ये कानून की कौन सी किताब में लिखा है कि दर्द और तकलीफ से तड़पते हुए मरीज को जहर देकर मार डालना चाहिए ताकि उसे शांति नसीब हो? मेरे इरादे को डगमगाने की कोशिश करना बेकार है। आज अगर मौत भी मुझसे मुंह मोड़कर जाना चाहे तो मैं बढ़कर उसका भी रास्ता रोक लूंगा। अच्छी बात है, आप अपनी मौत को रोकिए और मैं अपनी मौत को आवाज देती हूँ। आज इस घर के दरवाजे से एक नहीं, दो लाशें निकली हुई। रंजना, ये तुम क्या कर रही हो बेटी? दुनिया मुझे चैन से जीने तो नहीं देती, तुम मुझे चैन से मरने भी न दोगी। नहीं मरने दूंगी। अगर आप मुझे अपनी बेटी समझते हैं तो आपको अपनी बेटी के पवित्र विधवापन की सौगंध है। मेरी बात मान जाइए, आप मेरे पिता हैं। मैं अपनी माँ देखना चाहती हूँ। लेकिन मेरी उम्र भी तो देखो बेटी, एक पांव घर में, दूसरा स्मशान में। और अगर मैं तुम्हारी खुशी रखने के लिए राजी भी हो जाऊं तो मुझसे शादी करने के लिए कौन तैयार होगा? क्या आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं कहीं न कहीं अपनी माँ को ढूंढने का पिता। मुझे अफसोस है रंजना बहन कि इतनी समझदार होकर आप ये बात कह रही हैं। कहाँ आपका फूसा और कहाँ मेरी बेटी की बेटी। तो क्या हुआ मोहन भैया, मर्दों की उम्र नहीं देखी जाती, सिर्फ घर बार पंद्रह रख के देखते हैं। अगर आप अपनी राधा को सच में सुखी देखना चाहते हैं तो ये रिश्ता मंजूर कर लीजिए। रंजना बहन, तुम्हें ये सलाह देते हुए शर्म नहीं आती? क्या तुम अपनी तरह इस बिचारी को भी विधवा बनाना चाहती हो? मेहरबानी करके चली जाओ यहाँ से। बस बस रंजना बहन, अब जबान को लगाम दो। मैं समझ गया कि तुम्हें सौदा करने आई हो, लेकिन मैं अपनी बेटी को बेच नहीं सकता। गंगा भी मेरी कभी इज्जत के साथ यहाँ से चली जाओ तो बेहतर है। चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। गमगीन और उदास चेहरा तो पहले कभी नहीं देखा था मैंने तुम्हारा। क्या बात है? कुछ नहीं, कुछ तो है जिसे तुम छुपा रही हो। छुपाने जैसा दिखा जिस बात की सारे शहर में चर्चा हो रही है, वो बात तो तुमने भी सुनी होगी। कौन सी बात शोभा? वही बहन रंजना और उनके ससुर के संबंध में। ओह हाँ, है तो बहुत बुरी बात, लेकिन मैं नहीं समझती कि उन दोनों में ऐसा कोई बुरा संबंध होगा, हो या ना हो। लेकिन जब चार आदमी किसी झूठी बात को बार बार कहते हैं तो उसे झुठलाने की किसी में हिम्मत नहीं होती, वो सच्ची समझी जाती है। और जब से मैंने ये बातें सुनी हैं, ऐसा मालूम होता है कि कहीं जाकर डूब मरो। सब बातें सुन सुनकर न जाने रंजना बहन का क्या हाल हुआ होगा। मगर मैं कहती हूँ कि दुश्मनों का मुंह बंद करने के लिए दीदी दूसरी शादी क्या नहीं कर लेती। तुम तो पत्थर में जोक लगाने वाली बात कर रही हो रीता, ऐसा क्यों? वो मर्दाना ज्यादा बेहतर समझेगी, लेकिन दूसरी शादी का नाम तक सुना गवारा नहीं करेगी। एजुकेटेड और अल्ट्रा मॉडर्न होने के बावजूद उनके मतलब में घरेलू नारी का संस्कार भरा हुआ है रीता, तो फिर क्या हो सकता है? यही तो मैं सोच रही हूँ, मैं दीदी के लिए क्या कर सकती हूँ, कुछ समझ में नहीं। दीदी दीदी आ गई, दीदी आओ, दीदी तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे? बोलो दीदी, बोलो ना, बोलो ना दीदी। अब तो इन आंसू ने आंखों में घर बना लिया है शोभा। दीदी ये तुम क्या कह रही हो? जब संसार में कोई आंसू पोंछने वाला न हो, रोई दिल के नासुर बन के रात दिन तड़पाते रहते हैं। अब मुझे तो सोने की ताकत नहीं रही शोभा। आज मैं तुमसे आखिरी बार बन रहा हूँ। आखिरी बार? हाँ। इस बेरहम समाज और दुनिया वालों के ताने से मैं घबराती हूँ। इस बदनाम और नामुराद जिंदगी से तो मौत हटा पर चुका करूँ। तो तुमने हार मान ली थी। कोई आंसू ना हो तो हार मान ली। नहीं दीदी नहीं, जब मन चंगा तो कठौती में गंगा। कुत्तों के भौंकने से कारवां नहीं रुकता, चांद पर धूल फेंकने से चांद मेला नहीं होता। दीदी शोभा तुम नहीं, दीदी हिम्मत से काम लो। तुम्हारी ये कमजोरी दुश्मनों की कामयाबी होगी। तुम इस ख्याल को दिल से निकाल दो, अपना इरादा बदल दो दीदी। नहीं शोभा, दीदी अपने अपने इरादे को नहीं बदल सकते। दीदी दीदी दीदी, अगर तुम अपना इरादा बदल नहीं सकती तो आज मैं अपना इरादा बदलती हूँ। क्या मतलब? यही कि जिस चीज की तुम्हें तलाश है वो चीज तुम्हारी आंखों के सामने है। कौन सी चीज? दीदी तुम अपने घर साथ लाना चाहती हो ना, तुम अपने ससुर को दूल्हा बनाना चाहती हो ना। शोभा तो समझ लो आज से मैं तुम्हारी साथ हूँ। शोभा ये तुम क्या कह रही हो? हाँ दीदी, तुम्हारा जीवन इतना सस्ता नहीं कि दुश्मनों के तानों की भीड़ चढ़ जाए। तुम्हारी और तुम्हारे घर की इज्जत को कायम रखने के लिए तुम्हारे ससुर के दुल्हन बनने को मैं तैयार हूँ। मेरी बहन ये क्या कर रही है? मुझे सिर्फ तुम्हारे आशीर्वाद की जरूरत है। जाओ दीदी शादी की तैयारियां करो, देर न करो दीदी, जल्दी करो। जाओ दीदी। बहन रंजना कहाँ है? उसे बुलाओ। ऐसे शुभ समय विधवा का सामने आना अपशकुन माना जाता है। कौन कहता है कि रंजना के सामने आने से अपशकुन होगा? वो तो एक पवित्र आत्मा है जिसने मेरा नया संसार बसाया। जाओ उसे ले आओ, मैं उसके दर्शन करके अपने नए संसार में कदम रखना चाहता हूँ। जाओ। रंजना बहन साहब ने आपको बुलाया है। नहीं बहन, मैं अपनी अपवित्र परछाई आज उन पर नहीं पड़ने दूंगी। कह दो नया संसार मुबारक हो। जाओ बहन। नहीं रंजना, अगर तुम नहीं आओगी तो मेरी खुशी अधूरी रह जाएगी। आ जाओ। नहीं पिताजी, मुझे क्षमा कीजिए, मैं वहां नहीं आऊंगी। रंजना, रंजना। मालिक टेलीफोन। देखा, बड़े लोगों की हर तरकीब बड़ी होती है। अपने पाप पर कितना बड़ा पर्दा डाल दिया। कुछ भी कहो बहन, रंजना है बहुत चालाक। छोटी बहन की शादी करके खुद पाप भी करती रहेगी और दुनिया की नजरों में सती भी बनी रहेगी। चलो बहन चलो। मौसी क्या बातें कर रही है? कुछ भी नहीं शोभा बहन, कुछ भी नहीं। तुम ना ही सुनो तो अच्छा है। नहीं मौसी, साफ साफ बताइए क्या बात है। क्या बताएं, सुनकर रो देने के सिवा और कुछ भी न कर पाओगे। आपके जीवन जैसे बीते चुपचाप बिता दो। मौसी मैं तुम्हारी बातों का अच्छी तरह मतलब समझती हूँ, लेकिन सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि जो कुछ तुम कह रही हो वो कहाँ तक सच है? राम 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 राम। मैं झूठ थोड़ा ही कहती हूँ। मैंने तो जिंदगी में कभी झूठ ही नहीं बोला। और फिर थोड़े ही दिनों में तुम ये सब कुछ अपनी आंखों से देख लोगी। और मैं अकेले थोड़ा ही जानती हूँ, इस बात को तो सारा मोहल्ला जानता है। अच्छा मैं जाती हूँ। राम 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 राम। हेलो, आप कौन हैं? किसी लड़की की आवाज है। रंजना होगी, सुनादो से भी करी करी। मैंने कहा रंजना देवी मुबारक हो, आपने अपने गुनाहों पर पर्दा डालने की अच्छी तरकीब निकाली। छोटी बहन के जीवन की कुर्बानी देकर बड़ी बहन ने बड़ा नेक काम किया। बहन हो तो तुम जैसी हो। मैंने क्यों फोन उठा लिया? अपने हाथों से अपना कलेजा छलनी कर लिया। लोग ठीक कहते हैं, इस उम्र में शादी करना बहुत बड़ा गुनाह है। जज होते हुए भी मेरे हाथों इंसाफ का खून हो गया। तो फिर आपको शादी के लिए किसने मजबूर किया था? घर की इज्जत में, बदनामी के डर में। ये सब बहाने हैं। शोभा ये तुम क्या कह गई? मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा। मेरी गैरत खुले शब्दों में कुछ कह भी तो नहीं सकती। अगर ये बात मुझे पहले मालूम होती तो मेरी शादी कभी न करती। शोभा मेरी तरफ देखो, दुश्मन अगर पत्थर भी मारे तो उतना दुख नहीं होता जितना दोस्त के फूल मारने से होता है। जरा खा लो। मैं अदालत में हर रोज इस पवित्र गीता को लोगों के हाथ में देकर सौगन खिलाता हूँ। आज एक सच्चे हिंदू की तरह मैं इस पवित्र गीता की सौगन खाकर कहता हूँ कि मेरे और तुम्हारे दरमियान न तो कोई पर्दा है और न कभी होगा। मैं तुम्हारे लिए खुली हुई किताब हूँ, जिसका एक एक लफ्ज तुम जब चाहो अपनी आंखों से पढ़ सकती हो। अब तो खेल पीटने से क्या फायदा? अब तो कितना जो भी खेल दिखाए वो हंसते या रोते देखना ही पड़ेगा। शोभा दाइक के आशिक हो गई। वहाँ आज माशूक से मिलने का वायदा है और आप पड़े यहाँ आराम फरमा रहे हैं। मुन्ना सोते रहो, मैं तुम्हारी जगह तुम्हारे माशूक से मिलने के लिए माली बन के चला जाता हूँ। बाबूलाल के बच्चे इस करने चला बेटा, अब मैं बताऊंगा तुझे। अरे ये लड़ू तो बाबूलाल की चप्पल पहन बैठा है। तो उसी टाइप की जगह, लेकिन कहीं उल्लू मैं भूल तो नहीं गया? तुम यहाँ कहाँ से टपक पड़े? वो कहाँ है? वो तो मद्रास के टिकट के लिए क्यू में खड़ा है। उसने तो मुझे आपको लेने के लिए भेजा है। जल्दी चलिए। नहीं, मैं उनके सिवा किसी के साथ नहीं जाऊंगी। मगर आप फिक्र ना कीजिए, मैं आपको ट्राम या बस में थोड़ा ही, बल्कि मैं तो आपको बड़ी टैक्सी में ले जाऊंगा। जी हाँ। और होटल में खाना खिलाऊंगा। जी हाँ। और बोतल में लेमन पिलाऊंगा। जी हाँ। और सुनिए, चौपाटी की सैर भी कराऊंगा। जी हाँ। इतना उमदा प्रोग्राम होने पर भी आप मेरे जैसे प्यारे और लवली आदमी के साथ नहीं चलती। देखो मैंने एक बार नहीं 10 बार में कह देती हूँ तुमसे, मैं उनके सिवा किसी के साथ नहीं जाऊंगी। अरे तो मैं सोता रह गया, जाने का टाइम हो गया। ये मियाँ जी का बच्चा किधर गया? समझ गया, वहीं गया होगा। अभी आके ठीक करता हूँ तेरे को। तो नाराज क्यों होती हो मेरी जान? अपनी पान की दुकान कर दूं तुम पर कुर्बान। सुनिए सुनिए, हे भगवान तुमने मेरी सुन ली। देखिए यहाँ हम लोगों का मिलना कुछ ठीक नहीं है। तो फिर कौन सी जगह ठीक रहेगा? मैं बताऊँ? जी मेरे घर चलिए तुम मेरे साथ। कुबान हो जाऊं मेरी कच्चे रानी, बहुत उमदा प्रोग्राम है। जी हाँ। आया। अच्छा ये तो बताओ, मिठाई में तुम्हें कौन सी मिठाई ज्यादा पसंद है? मिठाई? हाँ? मिठाइयों में तो मुझे कद्दू का हलवा बहुत पसंद है। कद्दू का हलवा? जी। तब तो तुम बहुत नसीबदार। क्या हुआ जी? आज तो मैंने कद्दू का ही हलवा पकाया है। अच्छा जी? हाँ? तब तो मुझे आज जी भर के खिला दो मेरी कच्चे रानी। चलो। ये था बड़ा कद्दू का हलवा। क्यों मियाँ जी चख लिया मोहब्बत का मजा? अरे ये सब क्या हो रहा है? अरे भाई तुम लोग नहीं जानते, मैं हूँ खानदानी मियाँ जी पान वाला। देखो हाथ चला के मत करो, माउथ से बात करो। माउथ से तुम क्या कर रहे? ये कुछ बहुत बड़ा बदमाश मालूम है। कब से मेरा पीछा कर रहा है? लाई टेलिंग लाइट होती है। तुमने क्या समझा मुझे? आई एम ए शरीफ मैन, आई एम ए स्ट्रॉन्ग मैन, आई एम ए दादा। मैं तो पूरी लाश के जा हंसा। अरे ये कोई छुरी वाला है, मैं तो पीछा करता हूँ। तुम मत करो। तू पंजाबी कुड़ी और तू फुटबॉल वर्गी है। मैं भी रावरी शादी कुड़ी है। मैं कसमान खा रहे हैं बड़े मुनास गए। बैला की उंगलियां बेचूं, मजनू की पसलियां बेचूं, आओ दिल वालों खाओ दिल वालों नरम ककड़ियां बेचूं। लैला की उंगलियां बेचूं, मजनू की पसलियां बेचूं, अरे आओ दिल वालों खाओ दिल वालों नरम ककड़ियां बेचूं। लैला की उंगलियां बेचूं, मजनू की पसलियां बेचूं। लाला जी या बाबू जी को भूखे रह कर जीते ये जीना भी खाते पीते, ओए दम निकले खाते पीते। ओ लाला जी ओ बाबू जी क्यों भूखे रह कर जीते, ये जीना भी क्या जीना, दम निकले खाते पीते, ओए दम निकले खाते पीते। प्यास बुझालो गर्मी में सावन की बदलियां बेचूं, लैला की उंगलियां बेचूं, मजनू की बदलियां बेचूं। आ दिलवालो खाओ दिलवालो नरम ककड़ियां बेचूं, लैला की उंगलियां बेचूं, मजनू की बदलियां बेचूं। पर ना छुरी चलाना ले बकरों की हाय, खून किसी का क्यों पीना, पी ले शरबत या जाए, अरे पी ले शरबत या जाए। मुर्गों पर ना छुरी चलाना ले बकरों की हाय, खून किसी का क्यों पीना, पी ले शरबत या जाए, अरे पी ले शरबत या जाए। रोग मिटा और हैस बना, गालों की सुर्खियां बेचूं, लैला की उंगलियां बेचूं, मजनू की पतलियां बेचूं। आ दिलवालो खाओ दिलवालो नरम ककड़ियां बेचूं, लैला की उंगलियां बेचूं, मजनू की पतलियां बेचूं। क्योंकि भूल से बेचारों ने ये ककड़ी ना खाई, अरे भाई ये ककड़ी ना खाई। शीरी और फरहाद के लोगों हो ना सकी सगाई, क्योंकि भूल से बेचारों ने ये ककड़ी ना खाई, अरे भाई ये ककड़ी ना खाई। अरे कमारो ले जाओ शादी की पर्चियां बेचूं, लैला की उंगलियां बेचूं, मजनू की पतलियां बेचूं। अरे आ दिलवालो खाओ दिलवालो नरम ककड़ियां बेचूं, लैला की उंगलियां बेचूं, मजनू की पतलियां बेचूं। रंजना, रंजना बेटी जरा रामधन से कह दो मेरा सर दबा दे, न जाने क्यों दुख रहा है। मैं खुद ही दबा देती हूँ। तुम क्यों तकलीफ करती हो, रामधन से ही कह दो। मेरी चिंता नहीं होगी पिताजी। राम 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 राम, घर में पत्नी के होते हुए विधवा बहू से सर दबाया जा रहा है। क्या बताऊं शोभा बहन, एक दिन तो मैंने अपनी आंखों से देखा कि साहब रंजना को झूले पर से अपनी गोद में उठाकर लेकर। चुप रहो मौसी, मेरे जख्म पर नमक मत छिड़को। अरे मैं तो चुप ही रहना चाहती हूँ, लेकिन शोभा बहन तुम्हारा घर चलता है और मेरा दिल। राम 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 राम। अब बस करो बेटा, तुम्हारे हाथ थक जाएंगे। आपकी सेवा करने से जो आनंद मेरी आत्मा को मिलता है उसे आप नहीं जानते। आप आराम कीजिए पिताजी। देखो तो किसका टेलीफोन है। देखिए पिताजी। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अपने ही घर में आने के लिए इजाजत लेनी पड़ती है क्या? अपना घर अपना हो सपना। आज मैं ये पूछने आई हूँ कि इस घर में मेरी हैसियत क्या है। क्या मतलब? क्या मैं इस घर में एक किराए की स्त्री बनकर आई हूँ? ऐसा कौन कहता है शोभा? आपका बर्ताव अब तक तो दुनिया की जबान से सुनते थे, मगर आज अपनी आंखों से भी देख लिया। ऐसा तुमने क्या देख लिया शोभा? मैं मर गई थी आपने मुझसे सर दबाने के लिए क्यों नहीं कहा? मुझे क्यों नहीं बुला लिया? मैं जानता हूं कि पति की सेवा करना हर स्त्री का फर्ज है, लेकिन मैं इस काम के लिए तुम्हें भी तो तकलीफ नहीं देना चाहता था। रामधन को बुलाने के लिए कहा तो रंजना ने खुद सर दबाना शुरू कर दिया और मैंने उसकी खुशी को टालना मुनासिब नहीं समझा। लेकिन एक की खुशी के लिए आप दूसरे का जीवन क्यों बर्बाद कर रहे हैं? आप जो बर्ताव मुझसे कर रहे हैं मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं तो क्या दुनिया की कोई भी औरत उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। आज आपको खुले शब्दों में इकरार करना पड़ेगा कि आप झूठे हैं, आपका दिया हुआ वचन झूठा है, गीता की खाई हुई सौगंध भी झूठी है। बस करो शोभा, मैं आगे एक लफ्ज में सुनना गवारा नहीं कर सकता। दिल के जख्म भरने के लिए जो मरहम खरीदा था वो भी आज नमक बनकर रह गया। मेरी तो किस्मत ही फूट गई है। किस्मत तो मेरी फूट गई है। मैंने दीदी के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, मगर क्या खबर थी कि जीवन भर खून के आंसू पीने पड़ेंगे। शोभा, तुम्हारे इस घर में दुल्हन बनकर आने के बाद हमने समझा था इस घर से गम की परछाई दूर चली जाएगी। हमारे सपनों को मिट्टी में न मिलाओ शोभा। अगर तुम कहोगे तो मैं जिंदगी को तुम्हारे कमरे में पाँव भी नहीं रखूंगी, मगर लोगों के बहकाने में न हो। इन छोटी छोटी बातों से बड़े बड़े अफसाने बन जाते हैं शोभा। दीदी, तुम मेरे सर पर हाथ रख के कसम खा सकते हो कि जो कुछ लोग कहते हैं सब झूठ है। कौन दीदी वो सब झूठ है। दीदी लाख बार कह सकती हूँ, मैं तुम्हारी कसम खाकर कहती हूँ मुझ पर विश्वास करो, ये सब झूठ है शोभा, ये सब झूठ है। विश्वास करो रामधन। अरे ओ रामधन, तुम कौन हो? मैं यहाँ। अच्छा, बाबूलाल के घर वाली हो। राधा बहन, कृष्णा बहन, आओ तो मैं बाबूलाल की घरवाली से मिलाऊं। ये है बाबूलाल की घरवाली और मुझे कहते हैं, सब लोग कहते हैं मोती की मौसी। अच्छा तो सुनो, तुम्हारे बच्चे का क्या हाल है? बच्चा? हाँ, तुम मेरे माँ बाप के घर बच्चे के लिए गई थी ना? माँ बाप के घर? बच्चा क्या बताऊं मोती की मामी, बच्चा पैदा भी हुआ और मर भी गया। क्या हुआ? भगवान ने बच्चा दिया भी और ले भी दिया। चलो अच्छा हुआ, माँ बाप के सर से बोझ हल्का हो गया। मगर ये किसके बच्चे की बात हो रही थी? तुम्हारे बच्चे की। अभी अभी तुम्हारे घर वाले मेरे बच्चे की बात हो रही थी। मौसी, क्यों याद दिला दिया तुमने? वो बच्चा नहीं, अवतार था, अवतार। मौसी, पहले ही महीने में हिंदी बोलने लग गया और दूसरे महीने में अंग्रेजी, तीसरे महीने में उर्दू। और मौसी, चौथे महीने में तो चलने लगा और ऐसी पीठ पकड़ी के बगैर स्पुटनिक के ऊपर पहुंच गया। पांचवें महीने में क्या नाम था हमारे बाबा का? बाबा का नाम जल्दी याद करो। बाबा का नाम था किंगो। मौसी, अगर आज मेरा किंगो जिंदा होता तो मैं उसे गामा पहलवान से भी हार देता। चलो, अफसोस करने से क्या फायदा? भगवान ने किंग कॉन्ग ले लिया ना, अब किसने पिंग पॉन्ग दे देगा। पिंग पॉन्ग नाम चला। अच्छा मौसी, आशीर्वाद दो। थैंक यू मौसी, निकल चलो। राम 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 राम। क्या तमाशा है? तो इसे कहते हैं बिन पैसे का तमाशा। अरे दो घड़ी मजा तो आ गया ना। मजा तो आ रहा है, अब नींद भी आ रही है। ठीक है, तो आप कहाँ जा रहे हैं? मैं सोने के लिए बाहर तुम खटिया पे सो जाना, मैं बाहर सो जाऊंगा। मगर बाहर क्यों? वो बाहर क्यों? हाँ, मुझे बाहर ही सोने की आदत है, मैं अंदर नहीं सोता हूँ कभी भी। लेकिन बाहर खटमल है, मच्छर है, तुम्हें नींद कैसे आएगी? खटमल और मच्छर जो है ना, ये मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं। ये बॉडी के ऊपर खेलते हैं, काटते नहीं है। नहीं नहीं, मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगी। ओफो, मैं कहता हूँ वो बेचारे मेरा रास्ता देख रहे होंगे। नहीं समझी, मच्छर खटमल। कहाँ है खटमल और मच्छर? फौरन तस्वीर। शोभा बहन के कमरे में एक बहुत बड़ा सांप घुस गया है। हाँ, आपकी इजाजत तो मैं जाके मारूं? नहीं भैया, वो तो शोभा बहन का सोने का कमरा है, वहाँ आप कैसे जा सकते हैं? मैं खुद ही जा रही हूँ। सुनो, आप मत जाना, आपको तो मालूम है इस घर में बहन की बीमारी बुरी तरह से फैली हुई है, आप खामखा शिकार हो जाएंगे। लेकिन ये वक्त सोचने का नहीं भैया, कुछ भी करके सांप को निकाल देना। आप पछताएंगे दीदी। बात है, किससे बातें कर रही हो? क्या बात है शोभा? चोरी पकड़ी गई। आधी रात के समय दीदी को ऐसी हालत में अपने कमरे में देखने के बाद भी आप कहेंगे कि मेरा वहम है? शोभा, वहम के भंवर में फंसा हुआ इंसान कभी किनारे पर नहीं पहुंच सकता। डूबने से पहले मेरा हाथ थाम लो और वहम के भंवर से बाहर निकल जाओ। मैं पूछती हूँ, आधी रात के वक्त पति पत्नी के सोने के कमरे में एक जवान विधवा के आने का मतलब क्या हो सकता है? विश्वास करो शोभा, जब बाबूलाल ने मुझे बताया कि तुम्हारे कमरे में सांप गया है तो मैं अपने आप को न रोक सकी। कहाँ है वो सांप? मैंने अपनी साड़ी में लपेट कर बाहर फेंक दिया है। आओ बहन, देखना साड़ी बाहर पड़ी है। देख लो बहन। कहाँ है साड़ी? शायद को उठा ले गया। तुम जानबूझकर झूठ बोल रही हो। क्यों सांप बनकर मेरी जिंदगी को डस रही हो? अगर सांप आया था तो मुझे जगा क्यों नहीं लिया? ऐसी हालत में तुम्हें सांप नहीं देखना चाहिए। होने वाली औलाद की आंखें कमजोर हो जाती है। ये झूठ है। गर्भवती स्त्री की परछाई अगर सांप पर पड़ जाए तो सांप अंधा हो जाता है। इस घर में झूठ ही झूठ फैला हुआ है। इस झगड़े का अभी फैसला हुआ जाता है। अगर बाबूलाल ये कह दे कि रंजना सच कहती है तो ठीक है, बुलाइए बाबूलाल को। रामधन, जाओ बाबूलाल को बुला कर ले आओ। घर तो ताला लगा है सरकार, मैं देख कर आया हूँ। मगर वो आदमी भी सुना था। जाओ जाकर अच्छी तरह देखो। मैं सच कहता हूँ दीदी वो नहीं है। न सांप है, न सारी है, न बाबूलाल है। अगर मेरी आंखों के सामने कुछ है तो सिर्फ गुनाह की दो तस्वीरें हैं। अब बताओ एक दूसरे को बाप बेटे पुकारने वाले पापियों को कैसे सजा मिलनी चाहिए? शोभा, मैं आज तक अपने गुस्से के तूफान को रोकने की कोशिश करता रहा, मगर आज इस तूफान ने सब्र की हदों को तोड़ दिया है और मैं ये फैसला करने पर मजबूर हो गया हूँ इस घर से हमेशा के लिए कहीं दूर चला जाऊं। तो चले जाइए, बड़े शौक से चले जाइए। शोभा, पति के साथ तुम ऐसी बातें करते हो, शर्म नहीं आती? शर्म मुझे आनी चाहिए क्या तुम्हें? बेशर्म कहा मिला जो मुझे बेशर्म कहा तो शोभा जी तो ये चाहता है कि जिस तरह तुमने मेरी गरीब विधवा बहू के मुंह पर तमाचा मारा है, मैं भी तुम्हारे मुंह पर इतना जोर का थप्पड़ मारूं कि तुम्हारे सारे दांत बाहर निकल आ जाए। मगर मैं ये नादानी नहीं कर सकता। लेकिन समझ में नहीं आता कि अब हम इस घर में साथ कैसे रह सकते हैं। मैं खुद ही चली जाऊंगी। शोभा, बसे हुए घर को बर्बाद न करो। मान जाओ बहन, मान जाओ। शोभा, लगाई हुई आग ने इस घर को जलाया है, समझी? और तुमने शोभा बहन के कान में इतना जहर भर दिया था कि वो बेचारी बहरी हो गई। खैर कुछ परवाह नहीं, मैं उनको अभी वापस लेकर आता हूँ। अरे सुनिए सुनिए, इस वक्त जो आपको कहाँ मिलेंगी, अभी मैं जाइए। न तू चोर का बहाना करती, न मैं यहाँ से जाता, न शोभा बहन को घर छोड़ना पड़ता। ये सब तेरी जिद की वजह से हुआ। लेकिन बाबू भाई, भला तुम दूसरे के घर के झगड़े में क्यों? खबरदार, कभी मुझको भाई कहा तो याद रख, जहाँ तुझ जैसे सांप बिच्छू मौजूद हो वहाँ मुझ जैसा सांप बिच्छू का जहर उतारने वाला भी होना चाहिए। चल मेरे साथ। राम 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 राम। ये बच्चे की रूमी आवाज कैसी? मालूम नहीं, तू देख। शोभा दीदी है, बालक का जन्म हुआ है। अच्छा? हाँ। वाह भगवान वाह, ये सब घर के झगड़ों का नतीजा है। कहाँ जन्म होना चाहिए था और कहाँ हुआ। तू यहीं ठहर, मैं चक्की लेकर आता हूँ। लेकिन जरा जल्दी आना। घर के झगड़ों ने साहब को इतना सदमा पहुंचाया है कि जुबान बंद हो गई। कोई इलाज कीजिए डॉक्टर साहब। इसका सिर्फ एक ही इलाज है, इन्हें जी भर कर रुलाना चाहिए। तो आप ही कोई तरकीब बताइए, इससे इनके बचे हुए आंसू आज इन्हें काम आ जाए। मैं क्या बता सकता हूँ रंजना बहन? पिताजी, पिताजी, ये आपको क्या हो गया है? बोलिए ना पिताजी, बोलिए। रंजना बहन, क्या आपको ऐसा कोई वक्त याद है जब साहब जी भर कर रोए हों? हाँ डॉक्टर साहब, एक दिन बहुत जी भर के रोए थे जब मैंने अपनी एक दूसरी सहेली की कहानी सुनाई थी। आज मैं खुद वही कहानी सुन रही हूँ। फिर देर न कीजिए, इन्हें वही कहानी सुना दीजिए। देने वाले देने को हम बंद करो रंजना, बंद करो ये कहानी, वरना आंसुओं की बजाय आंखों से खून टपकने लगेगा। पिताजी, पिताजी, मुबारक हो साहब, मुबारक हो। क्या बात है बाबूलाल? शोभा बहन को भगवान ने चांद सा बेटा दिया है। बेटा? सुना पिताजी, इस अंधेरे घर का चिराग रोशन हो गया। मगर अफसोस, उस चिराग की रोशनी हमारे अंधेरे घर को रोशन नहीं कर सकेगी। बाबूलाल भी साथ होंगे, शोभा बहन का सारा वहम दूर हो जाएगा। जी हाँ, वहम के साथ का जहर बाबूलाल 2 मिनट में उतार देगा। आप चलिए तो सही। चलिए पिताजी। नहीं रंजना, तुम नहीं समझती। पिताजी, मैं शोभा बहन के बेटे को देखूंगी। चलिए, चलिए ना पिताजी, मेरी हाजिर चलिए। हंसा, हंसा जी, जरा बाबूलाल को तो बुलाओ। बाबूलाल रंजना बहन को बच्चे की पैदा होने की खुशखबरी देने गए। खुशखबरी? मेरे मना करने पर भी वो वहाँ क्यों गए? लेकिन बच्चे के पैदा होने की खबर बाप को तो मिलनी चाहिए शोभा बहन। लेकिन मैं नहीं चाहती ये खुशखबरी उस घर में दी जाए। बाबूलाल को नहीं जाना चाहिए था। खैर, हंसा जरा मिलने के लिए दूध से ले आना, अभी लाती है। तुमने अपना घर छोड़ा, जो एक हिंदुस्तानी औरत के लिए मुमकिन नहीं। तुम बोलती क्यों नहीं? मैं तुम दोनों में से किसी की भी शक्ल देखना नहीं चाहती। अच्छा तो सुन लो, आज से तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के लिए न मेरे दिल में जगह है न मेरे घर में। मुझे इसकी परवाह नहीं। इतनी बड़ी दुनिया में मेरे और मेरे बच्चे के लिए क्या कोई भी जगह नहीं? इस घर के लिए तुम लोग यहाँ से चले जाओ, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मुझे अकेला रह दे दो, मुझे अकेला रहने दो। चलो बेटा, आग के पास जितनी देर ज्यादा ठहरेंगे उतना ही ज्यादा जलना पड़ेगा। मैंने हंसा को इसी मकान में जाते हुए देखा है, वो इस वक्त यही होनी चाहिए। मैं इस मकान को याद लगा दूंगा। ठीक है। अरे ये सब लोग यहाँ कैसे? तुरंत चुप जा, चलो चलो। से जीव चाट हो गया है बेटा, तुम्हें पति सेवा का सौभाग्य तो न मिला, अब देव सेवा करने की तैयारी करो। कल ही हम लोग वृंदावन के लिए रवाना हो जाएंगे, सारा जीवन वहीं बिता लेंगे। लेकिन पिताजी घर? तुम इससे घर कैसी हो? जिस घर से स्त्री रूठ कर चली जाए, जहां सबके दिल टूटे हुए हों, जहां पत्नी को पति पर विश्वास न हो और बहन बहन की दुश्मन हो, मैं ऐसे घर को घर नहीं समझता। जिस तरह एक अंधे की आंखें भी आंखें ही कहलाती है, उसी तरह ये कहता भी है हमारा घर है, मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। वृंदावन के लिए भी नहीं? जी नहीं, स्त्री के लिए अपना घर ही वृंदावन है। मैं बाबूलाल बोल रहा हूँ जी, आप मेरी बात तो सुनिए। शोभा बहन के घर में आग लग गई है। क्या कहा? आग लग गई? बाबा और शोभा बहन दोनों आग में फंसे हैं, आप फौरन तशरीफ लाइए। अच्छा अच्छा। रंजना, रंजना जिंदगी में किस आराम की आशा है। शायद वो पूरी हो जाए। मुन्ना कैसा है? अच्छा है, सो रहा। पिताजी, मुझे शोभा का ख्याल सता रहा है, न जाने वो कैसी होगी। थैंक यू पिता, मैं सो जाए। बात है, शोभा आ गई है पिताजी। शोभा आ गई है? कितने के लिए? रंजना, बेटी रंजना। अब हमेशा के लिए मुझे माफ कर दीजिए। मगर माफ कर देने वाला दिल तो तुम तोड़ चुकी हो, अब माफी की कोई गुंजाइश ही नहीं। और इतना समझ होने के कारण बर्बादी के रास्ते पर चल पड़ती है, मगर समझदार मर्द उसे बर्बाद होने से बचा लेता है। मैंने बहुत बड़ी ठोकर खाई है, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। अरे देखती क्या है बेधक्का, दिखने में मारी है फुटबॉल के माफक जाएगी लौटती हुई। माफ करना, माफ करना। लगा नहीं दस्ता बंदा लेगा नहीं। क्या क्या सरकार, सरकार क्या बात है बाबूलाल? माफ कीजिए सरकार, आज मैं बगैर इजाजत चलाया। बात असल ये है कि ये लड़की कहती है कि मैं बाबूलाल चूड़ी वाले की घरवाली हूँ, यानी कि मेरी है, और कहती है कि ये औरत इसकी असली माँ नहीं है बल्कि कोई ऐसी उठाओगी फालतू औरत है, इसलिए जजमेंट आप पर छोड़ा है। सच सच बता ये किसकी लड़की है, वरना पछताएगी। जल्दी बता वरना साथ को गुस्सा आएगा तो बहुत गर्म हो जाएगी। सरकार ये लड़की कोई दूसरी नहीं है, ये लड़की आपकी बेटी है, हंसा। हंसा? ओ, हंसा मेरी बेटी है? आप मेरे पिताजी हैं? हाँ मैं ही तेरा बाप हूँ। मैं तो ये समझता था बेटी कि मैं इस दुनिया में अपना घर-बार और दौलत लुटाने के लिए ही पैदा हुआ हूँ, लेकिन आज मैं खुश हूँ कि मेरी खोई हुई दौलत फिर से मिल गई। बाबूलाल अभी आया, खबरदार है जो अगर यहाँ से ही लिए तो। मैं तुम्हें कड़ी सजा देना चाहता हूँ। हाथ कड़ी पहनने के लिए हाथ बढ़ाओ। मगर हुजूर मेरा कुसूर? कुसूर? एक कुसूर हो तो बताओ। हमारा सबसे बड़ा कुसूर तो ये है, तुमने मेरी मासूम बच्ची को इस मक्कार औरत के फंदे से बचाया। तो हुजूर ये तो इनाम के लायक काम हुआ ना, सदा के लायक नहीं। आप अपना जजमेंट। हाथ बढ़ाओ। लीजिए। ओह नहीं हुजूर, मैं इस लायक नहीं। इनके लिए तो कोई दौलत वाला, बड़ी शान वाला, बड़े रुतबे वाला होना चाहिए। मैं बड़े रुतबे वाले से ज्यादा बड़ी कैरेक्टर वाले को पसंद करता हूँ। लो आज से तुम ही इसके निगहबान। थैंक यू। आपका हुक्म आंखों पर, इस मोटी के लिए क्या हुक्म है? इसे तुम पुलिस स्टेशन पहुंचा दो। अभी पहुंचाता हूं। मैं इसका इंतजाम करता हूं। थैंक यू। चल मोटी। दम तोड़ दिया रंजना। रंजना, रंजना। वाह रंजना, वाह, तूने घर की लाज रखने के लिए सिर्फ अपनी जिंदगी ही नहीं लुटा दी, बल्कि आज अपने प्राण का भी बलिदान कर दिया। भगवान, ये तेरा कैसा न्याय, बहू लेकर बेटी दे दी, लेकिन तू ऐसा न करता तो तुझे भगवान ही कौन समझता। आया वो तूफान बिखर के रह गया तिनका तिनका, लिया है तुझसे किस्मत ने ये बदला है किस दिन का। ये रंग बिरंगे पंख छोड़ दे, अपना पिंजरा आप तोड़ दे।